पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम को 7:27 से हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी 2024 रविवार की शाम को 7:28 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके अगले दिन यानी 22 जनवरी की सुबह तक रखना चाहिए। तो सभी भक्तजन 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय 22 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक व्रत खोल लेना चाहिए या पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको कब करना है, एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए, तथा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नभ असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 20 जनवरी 2024 शनिवार के दिन करना है। वहीं 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन द्वादशी का नियम पालन करते हुए व्रत का पारणा आपको करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल न खाएं, शहद न खाएं, लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप इस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको इसका दोष नहीं लगेगा। साथ ही दशमी तिथि के दिन तन मन को पवित्र करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर के स्नान करें।
सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो आप सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हम जिस विधि से आपको बताते हैं उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, कोई कामना लेकर के, कोई इच्छा लेकर के, कोई मुराद लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प करने से कार्य सिद्धि होती है। वैसे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। हे कमलनयन, हे माधव, हे मधुसूदन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, फलाहार करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मानसिक रूप से यदि आपने यह भी बोल लिया तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे और संपूर्ण विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकें और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम संकल्प करने के बाद सबके पिता और पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो फलाहार में कई प्रकार की चीजें उपलब्ध हो जाती है, जैसे गाय का दूध है, सभी प्रकार के फल है, ड्राई फ्रूट्स है, पंचमेवा सूखा मेवा या दूध से बनी मिठाइयां और अन्य जैसे आलू दाने, साबूदाने, मूंगफली दाने, अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके शहर में उपलब्ध होते हैं, उनका आप उपयोग करें। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। यदि आप दवाई लेते हैं तो आप एक से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भोजन में चावल न बनाएं तथा पूजा पाठ में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप ब्राह्मण देवता के अनुसार करवाते हैं तो आप उसमें चावल का उपयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलतीवश नींद लग जाती है या हल्का विश्राम आपको करना है तो उसके बाद उठ करके आप स्नान कर लेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, तथा रात्रि में जागरण करने का विधान है। लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो सके उतना जागरण करें। एकादशी के दिन चाय, कॉफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न या अन्न से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरा दिन पूजन पाठ के लिए शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन पूजन का कोई विशेष समय या मुहूर्त नहीं रहता है।
पूरा दिन ही एकादशी का सिद्धिदायक दिवस माना जाता है। इस दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान नारायण की, बाल गोपाल जी की, शालिग्राम जी की या फिर किसी भी नारायण के स्वरूप की मूर्ति या विग्रह की स्थापना करके और उनके दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके, मिट्टी या तांबे का कलश रख करके उसमें आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की पूजा करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, कलश का पूजन करें और उनकी आरती उतारें तथा एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण करें, क्योंकि एकादशी जो व्रत करता है उसको कथा अवश्य सुनना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति जो भी आपसे बन पड़े दक्षिणा अवश्य देना चाहिए तथा उनको फलाहार करवाना चाहिए। और जब हम पारणा करते हैं तब उन्हीं ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान कर दे या फिर उनको नगद धन राशि भोजन करने हेतु आपको प्रदान करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है तो भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही यानी सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार को है तथा पारणा का समय यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 22 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक का रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या व्रत को खोल सकते हैं। जिस दिन व्रत का पारणा करते हैं उस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान के सामने आसन पर बैठ करके मानसिक रूप से आप संकल्प बोल लीजिएगा। मानसिक संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या मन में ये बोलना कि हमने एकादशी का व्रत किया है और आज हम व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। वैसे तो व्रत का पारणा आप तुलसी जी का एक पत्ता लेकर के जल के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पंचमेवा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल खाकर भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जब हम व्रत का पारणा करें उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन चावल का परित्याग कर दिया जाता है। दो दिन तक चावल को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। यदि आपको उस दिन कोई और व्रत करना है तो शाम के समय भोजन के साथ आप चावल खा लेंगे तो देव अन्न चावल का सम्मान हो जाएगा और आपका व्रत भी पूरा माना जाएगा। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। कई लोग सवाल करते हैं कि हम दोनों एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसे में कौन सी एकादशी का व्रत करें? तो उनके लिए एक ही सलाह है कि जो एकादशी चाहे उसका व्रत कर ले। सभी एकादशियों का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, वो एक समान माना जाता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वो व्रत राज कहा जाता है। सभी व्रतों में बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है और भगवान का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। ग्रामीण भाषा में, साधारण भाषा में इसे ग्यारस का व्रत भी कहा जाता है। तो सभी एकादशी का व्रत हमने जो विधि विधान बताया है उसके अनुसार यदि करेंगे तो निश्चय ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन किसी कारणवश यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, विधि विधान से व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप जैसा चाहे वैसा एकादशी का व्रत कर ले, क्योंकि एकादशी के विषय में तो ऐसा भी बताया है कि यदि अनजाने में भी आपके द्वारा एकादशी का व्रत होता है यानी बिना इच्छा के भी आपने एकादशी का व्रत कर लिया है
तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो फिर नियमों के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।